हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम फिजिकल लेयर के बारे में बात करेंगे। OSI मॉडल के अंतर्गत फिजिकल लेयर से संबंधित कंप्लीट जानकारी, जैसे कि कौन कौन से डिवाइस यूज़ होता है, कौन सा टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल इसके अंतर्गत आता है, तो फिजिकल लेयर इन OSI मॉडल का कंप्लीट जानकारी इस लेक्चर में आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिए क्लास में, चलिए स्टार्ट करते हैं। OSI मॉडल, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि OSI का फुल फॉर्म, OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये याद रखना है। दूसरा, OSI मॉडल को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम ISO, सेकंड लाइन पे देख पा रहे होंगे आप। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इन्होंने 1978 में OSI मॉडल का निर्माण किया था और जब से निर्माण हुआ है उस समय से इस मॉडल के अंतर्गत 7 लेयर काम करता है। मतलब इन 7 लेयर की ही मदद से हम क्या करते हैं, डेटा को सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसफ़र किया जाता है। मैंने आपको बताया सेंडर और रिसीवर के बीच में यदि आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तब आपको OSI मॉडल का प्रयोग करना पड़ेगा। और OSI मॉडल में जो 7 लेयर होते हैं जिसके बारे में अभी आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो वो 7 लेयर क्या है, चलिए अभी फ़िलहाल इतनी ही जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि OSI मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूज़र के मध्य, दो यूज़र का तात्पर्य यहाँ पे सेंडर और रिसीवर से है, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए हम एक रेफरेंस मॉडल का प्रयोग करते हैं और इस मॉडल के अंदर जो 7 लेयर है प्रत्येक लेयर क्या करता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है क्या। OSI मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड तथा रिसीव होती है, चाहे सेंडर हो या रिसीवर हो, दोनों को OSI मॉडल का 7 लेयर का प्रयोग करना अनिवार्य है। कहने का तत्पर्य है ये जो मॉडल होता है, OSI मॉडल होता है जिसके अंतर्गत हम 7 लेयर पढ़ रहे हैं, वो 7 लेयर सेंडर भी फॉलो करेगा और रिसीवर भी उन 7 लेयर का प्रयोग करने वाला है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो 7 लेयर कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक बार में आपको 7 लेयर का नाम तो ऐसे याद नहीं होगा, बट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है कि याद रहे। तो देखिए, ये हमारा सेंडर साइट है और ये हमारा रिसीवर साइट है। ये तो देखिए होता कैसे है तो दोनों तरफ 7-7 लेयर ही, बट वर्क कैसे होता है, तो जो सेंडर साइट होता है वो हमारा ये टॉप टू बॉटम होता है। कहने का तात्पर्य है पहले एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा, देन फिजिकल। और जब रिसीवर की बात आती है तो ये होता है हमारा टॉप टू बॉटम टू टॉप। आप ये डायरेक्शन देख पा रहे होंगे, सेंडर्स में क्या होता है एप्लीकेशन से डेटा लिंक लेयर की ओर आते हुए फिजिकल तक जाता है, और रिसीवर क्या करेगा फिजिकल लेयर से ही स्टार्ट करेगा और फिर कहाँ तक जाएगा, एप्लीकेशन लेयर तक जाएगा। तो ये देखिए जो हमारे पास 7 लेयर हैं, आपको इसको इसी क्रम में याद रखना है। वैसे तो ये पहला लेयर होता है, ये दूसरा, और ये हमारा होता है 7वें नंबर का लेयर। मतलब फिजिकल लेयर हमारा क्या होता है OSI मॉडल का सबसे लास्ट कहा जाए, या 7वें नंबर का लेयर आप कह सकते हैं। बट आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, केवल हम फोकस करेंगे कि फिजिकल लेयर कैसे काम करता है। तो फिजिकल लेयर के बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो पहले कुछ थ्योरी मैंने लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, देन फिर मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कैसे फिजिकल लेयर काम करता है। तो चलिए देखिए, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि फिजिकल लेयर की बात हो रही है, मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम फिजिकल डिवाइसेस की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अगर हम ऑर्डर वाइज देखें तो ये सबसे निचले नंबर पर, इसलिए निम्नतम लेयर कहा जाता है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, यदि हम नीचे से देखें तो ये फर्स्ट लेयर है और टॉप टू बॉटम देखें तो ये 7वें नंबर का लेयर है। तो आप किसी भी क्रम में इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने का काम भी होता है। मतलब जो डिजिटल्स मैं बताऊंगा अभी, इनकोडिंग डिकोडिंग में कैसे डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होता है, तो डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम भी हमारा कौन सा होता है, फिजिकल लेयर का काम होता है। साथ साथ इसमें कुछ टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस स्लाइड के बाद कि कौन कौन से टोपोलॉजी यूज़ करते हैं और उस नेटवर्क के आधार पर कौन से टोपोलॉजी सही रहेगा, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि फिजिकल लेयर में हमको क्या चाहिए, हम कौन सा मीडिया यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसमिशन मीडिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने जो एमसीक्यू क्वेश्चन कराया हुआ है अभी उसमें मैंने ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताया हुआ था। यदि आपको ट्रांसमिशन मीडिया को कम्प्लीट एक सिंगल लेक्चर चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी एक सिंगल लेक्चर बना देता हूँ, ठीक है। तो आप जब ट्रांसमिशन मीडिया हो, दो प्रकार का होता है, आप वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि वायर्ड कर रहे हैं, उसका भी डिसीजन कौन लेता है, हमारा फिजिकल लेयर करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है यदि इस स्लाइड में, वो है हमारा लास्ट पॉइंट कि फिजिकल लेयर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, यह जो फिजिकल लेयर में डेटा होता है कौन से फॉर्म में होता है। तो जो फिजिकल लेयर में डेटा होता है वो हमारा कौन सा होता है, बिट यूनिट के फॉर्म में होता है। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा इस स्लाइड में, ध्यान से देखिएगा कि मुख्य काम डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर का क्या है। तो क्या होता है, फिजिकल लेयर के द्वारा जो भेजा गया डेटा रहता है हमारा, उसको बीट के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका रहता है, हमारा डेटा लिंक लेयर के। देखिए आपको 0110 दिख रहा है, ये डिजिटल फॉर्म में है, ये हमारा क्या डेटा है को हमने क्या किया है, बीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेगा, अब ये चूंकि ये हमारा सेंडर की तरफ से लास्ट हमारा लेयर है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पहुँचाना है, मतलब हमको रिसीवर के पास पहुँचाना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए। अब आप वायर्ड यूज़ कर रहे हैं या वायरलेस यूज़ कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, बट जो डेटा रहेगा उसको बिट के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है और एक एक सिंगल सिंगल बिट को इस मीडियम का प्रयोग करते हुए रिसीवर तक पहुंचाना ही हमारा मुख्य काम रहता है, फिजिकल लेयर काम रहता है। इस स्लाइड को अच्छे समझिए, जो भी डेटा था डेटा लिंक लेयर के पास, उसको इसने क्या किया, बीट में कन्वर्ट किया और फिर उस डेटा को एक एक सिंगल सिंगल बीट को ट्रांसमिशन मीडिया का प्रयोग करते हुए रिसीवर तक पहुंचाना ही हमारा मुख्य काम रहता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ होता है कि जो फंक्शन क्या क्या होता है हमारा फिजिकल लेयर का, फिजिकल लेयर का मुख्य काम क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के अंतर्गत जो है हमारा रिपीटर और हब, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। तो रिपीटर और हब क्या, मैं आप लोग को बताता हूँ। अब सपोज़ करिए ये आपका जो है, चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को डायग्राम की मदद से बताता हूँ। ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है और हमारा जो है सेंडर और रिसीवर के बीच में इन नंबर ऑफ नोड्स रखा हुआ है, ठीक है। ये नोड वन है, ये नोड टू है। अब सपोज़ आपने कुछ भी डेटा जो है या सिग्नल आपने ट्रांसफ़र किया, वो नोड वन के पास आया और यहाँ पहुँचते पहुँचते आपकी सिग्नल जो है वीक हो गई। अब यदि उस डेटा को यदि आप रिपीटर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि दो जो है नोड टू तक पहुँचते पहुँचते तक आपका जो सिग्नल है वो लॉस्ट हो जाए, डिलीट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए और रिसीवर तक ना पहुँचे। तो सिग्नल का वीक होने के बाद उस सिग्नल को रिपीट करना या उस सिग्नल को रीजनरेट करना, मतलब आप जो सिग्नल भेज रहे थे उस सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचने तक बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, रिपीटर करते हैं। तो रिपीटर का काम क्या है, जैसे ही सिग्नल वीक होता है उसको रीजनरेट करे और उसको क्या कर दे, आगे फॉरवर्ड कर दे, ऐसे करते करते वो रिसीवर तक पहुंच जाए। ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा रिपीटर का काम रहता है। और जो हमारा हब रहता है, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि हब क्या करता है। जैसे सपोज़ करिए यहाँ पे हमारे पास एन नंबर ऑफ सिस्टम है और इन सिस्टम को हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो एक सिंगल डिवाइस हम क्या यूज़ करते हैं, हब यूज़ करते हैं और जिससे क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ नोड्स को हम आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नोड हम किसको बोलते हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम है। तो हब का क्या, फिजिकल डिवाइस है जो फिजिकल लेयर में काम करता है, जो एन नंबर ऑफ नोड को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। तो हार्डवेयर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके अलावा केबल को भी आप हार्डवेयर में काउंट कर सकते हैं। केबल मैंने पढ़ाया हुआ है आपको एमसीक्यू जब कराया था ट्रांसमिशन मीडियम में, जब हम गाइडेड मीडिया की बात करते हैं तो कैक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, ट्विस्टेड पेयर, ये सब केबल की बात करते हैं। रही बात कनेक्टर की, तो कुछ मैं कनेक्टर के नाम आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। यूटीपी कनेक्टर होता है, BNC कनेक्टर होता है और आपका RTMG कनेक्टर होता है, RTMG कनेक्टर होता है। ये कनेक्टर होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, केबल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कि अब नेक्स्ट बात करेंगे हम टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी की बात करें तो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया हुआ है टोपोलॉजी, वैसे तो एक काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाता है, इसमें तो ऐड नहीं कर पाऊंगा, बस मैं आपको कुछ टोपोलॉजी के नाम बता रहा हूँ, आप चाहें तो उन टोपोलॉजी को ऐड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप। चलिए तो मैं कुछ टोपोलॉजी के नाम बता रहा हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा, मैस है, बस है, स्टार है, रिंग है, हाइब्रिड है, ट्री है, ये कुछ टोपोलॉजी है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं,
हम फिजिकल लेयर में हम क्या करते हैं, इन नंबर ऑफ कंप्यूटर को जोड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका ट्रांसमिशन मोड है। ट्रांसमिशन मोड का क्या कहता है कि आप, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए 3 प्रकार का ट्रांसमिशन मोड का लिखा हुआ है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इसका भी क्या, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। अब चलिए इसको थोड़ा डायग्राम की मदद समझते हैं। यदि सिंप्लेक्स है, मतलब क्या होता है सिंप्लेक्स में, सपोज करिए ये 2 डिवाइस हैं, तो इसमें क्या होगा, एक सिग्नल, ये सेंडर है और रिसीवर है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे आपका टीवी का रिमोट होता है, सिग्नल एक तरफ से जाएगा, दूसरा जो है वो सिर्फ रिसीव कर सकता है, इसको सिग्नल बिल्कुल भी सेंड नहीं कर सकता। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स की। उसमें भी हम बात करेंगे कि एक सेंडर और एक रिसीवर है, तो ये क्या करता है, ये भी डेटा सेंड कर सकता है, ये भी डेटा सेंड करता है, बट एट ए टाइम केवल एक ही है जो क्या करता है, डेटा सेंड कर सकता है। सपोज अगर ये सेंड कर रहा है उस समय सिर्फ ये रिसीव करेगा, और ये सेंड कर रहा है ये रिसीव, और यदि ये सेंडर है तो ये रिसीवर होगा। मतलब एट ए टाइम केवल एक ही सेंड करेगा, सेकेंड वाला रिसीव करेगा। और लास्ट होता है हमारा फुल डुप्लेक्स होता है, जिसको डुप्लेक्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है 2 वे कम्युनिकेशन होता है, एट ए टाइम ये भी डेटा सेंड कर सकता है और ये भी सेंड कर सकता है। तो हमारा सिम्प्लेक्स का उदाहरण है आपका टीवी का रिमोट, हाफ डुप्लेक्स का हमारा वॉकी टॉकी, और फुल डुप्लेक्स का हमारा क्या हो सकता है, हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन मोड में फुल डुप्लेक्स का हम एग्जांपल के रूप में उसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग की। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है कि सपोज़ करिए, चलिए मैं एक उदाहरण की मदद सबको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जैसे मान लीजिए एक सेंडर और एक रिसीवर, इनके बीच में ये ट्रांसमिशन मीडिया है। अब यहाँ से क्या, जो भी डेटा हो जो सेंड करेगा वो डायरेक्ट, चूँकि एक ही सेंडर एक ही रिसीवर है, तो वो डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाएगा। बट सपोज़ करिए एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारे पास क्या होगा, सेंडर और रिसीवर जो है इन नंबर्स हैं, बट मीडिया तो अभी भी हमारे पास एक ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे जो है एन सिस्टम, जो एक एन सेंडर और एन रिसीवर है, बट मीडिया एक ही होने की स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। इधर हमारा मल्टीप्लेक्सर यूज़ होगा और इधर हमारा डी मल्टीप्लेक्सर होगा, जिसको DMUX कहते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर। ये मल्टीप्लेक्सर है, ये डी मल्टीप्लेक्सर है। तो होगा क्या कि यहाँ पे ये देखिए कैसे होगा, ये हमारा एन नंबर ऑफ यूज़र हैं, सेंडर हैं, वो सबसे क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा। मतलब यहाँ पे होता है मेनी टू वन, ठीक है। एम हमारे इनपुट्स आ गए, ये सबको क्या करेगा, एक सिंगल हमारे पास मीडिया था उसको रिसीव किया और एक साथ यहाँ पे भेज दिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ पे क्या करेगा, रिसीव करेगा एक साथ, बट यहाँ पे चूंकि एन नंबर ऑफ रिसीवर है तो उसको क्या करेगा, ये 1 to many होता है, फिर जिस सिस्टम का जो भी इन्फॉर्मेशन आया था उसको वो फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। कुछ मैं आप लोगों को मल्टीप्लेक्सर का नाम भी बता देता हूँ, जो मल्टीप्लेक्सिंग जो यूज़ होता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा CDMA, कोडिजन मल्टीप्लेक्सर होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स, TDM होता है, CDM होता है, वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। तो ये हमारे कुछ जो है मल्टीप्लेक्सिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करते हैं। तो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या है, इनकोडिंग का मतलब होता है, इनकोडिंग डिकोडिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी जो इन्फॉर्मेशन होता है, हम इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि डेटा लॉस ना हो और डेटा का क्या ना हो, और मतलब सिक्योर रहे वो, मतलब वो डेटा जो है पब्लिकली ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनकोडिंग डिकोडिंग यूज़ करते हैं। तो हमारा जो इनकोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या करते हैं, इनकोडिंग के केस में क्या होता है कि हमारा जो एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम हमारा इनकोडिंग का रहता है, और डिजिटल सिग्नल को पुनः वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना हमारा डिकोडिंग का काम रहता है, ठीक है। ज़्यादातर इसको हम लोग क्या करते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में हम जो है इनकोडिंग डिकोडिंग का यूज़ करते हैं। होता है क्या है, जैसे मान लीजिए अब आपको ईमेल, क्यों चूँकि देखिए फिजिकल लेयर में डेटा बिट के फॉर्म में होता है, अब मान लीजिए आपको ऑडियो वीडियो या इमेजेस को सेंड करना है, तो हम उसको डायरेक्ट तो भेज नहीं सकते, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल में हमको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रयोग करते हैं। अब मैंने जब क्लास में लेक्चर लिया था तो इसके बारे में कंप्लीट अलग से मैंने आप लोग को बताया था, यूनिपोलर बाईपोलर, वो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, और यदि आपको इसका सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। कुछ प्रोटोकॉल्स की बात कर लेते हैं। IEEE 802.3, ये इथरनेट के लिए होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। IEEE 1.2.11, ये हमारा जो होता है वाईफाई के लिए होता है। ये IEEE 802.15.2, ये हमारा जो होता है ब्लूटूथ के लिए, ये आप लोग के लिए नया है, ये ब्लूटूथ के लिए यूज़ होता है। ये हमारा जो होता है 1.16 जो है ये वाईमैक्स के लिए होता है। अब आप लोग मुझे बताएंगे ये वाईमैक्स क्या होता है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं।
यूएसबी सबको पता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, और डीएसएल जो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ाई करिए।